नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से तथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं में से कुछ सूचना इस प्रकार से है। पहली सूचना आपको उद्यमी मित्र के 105 पदों पर होने वाली भर्ती को है। आप सभी को बता दें, ये भर्ती प्रक्रिया शुरू है। उद्यमी मित्र प्रदेश में निवेश हेतु इच्छुक उद्यमियों को निवेश पर्यंत परियोजनाओं में सहायता प्रदान करने के साथ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में वांछित सहयोग प्रदान करेंगे। इच्छुक एवं निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट oims.org.in पर जा करके भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दें कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9 मार्च है। कुल 105 पद भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे, जिनमें जनपदों के लिए 70 पद, इन्वेस्ट यूपी के लिए कार्यालय के लिए 10 एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए 25 पद शामिल हैं। तो इसके लिए बीटेक मांगा है, आप सभी देख लीजिएगा। और जिनको भी जिनके पास भी योग्यता होगी और वो इच्छुक होंगे तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यूपी में पुलिस का इकबाल कभी नहीं गिरने देंगे योगी। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, आम लोगों के प्रति सद्भावना। तो यह वक्तव्य के साथ कल जो है आप देखेंगे कि 9055 दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम किया गया। सरकारी डंडे से पहले दिल का करें इस्तेमाल, इस सेंटेंस के साथ योगी जी ने जो नियुक्ति पत्र था उसको वितरित किया दिया है। पदोन्नति से इनकार पर दोबारा नहीं मिलेगा मौका, पावर कॉरपोरेशन ने कर्मियों से मांगा हलफनामा। तो पावर कॉरपोरेशन की तरफ से एक बात कही गई है कि वे सारे जो कर्मी हैं जो कि एक बार प्रमोशन दिया जा रहा है और इनकार कर रहे हैं, तो उनको दोबारा से फिर प्रमोशन नहीं मिलेगा। चैट GPT जैसे AI प्लेटफॉर्म्स से नौकरियों पर कोई खतरा नहीं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मानना है कि चैट GPT आदि से जो है कोई खतरा नहीं है सरकारी नौकरियों पर। यह तकनीकी कर्मचारियों के साथ सहयोग के तौर पर काम करती है। मुख्य मानव संसाधन अधिकारी मिलिंद लक्कड़ का मानना है कि यह जो है ऐसे टूल्स से उत्पादन में सुधार होगा, लेकिन कंपनियों के कारोबार के मॉडल में क्या प्रभाव पड़ेगा इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। वहीं शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली पर एम्ब्रेक कंपनी का सिटी हेड गिरफ्तार। साल गिरोह की केवली भगत के साथ मिले अब तक 22 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं में लगातार धांधली और लगातार पेपर आउट हो करने की जो घटनाएँ हैं, हैंग करने की जो घटनाएँ हैं वो सामने आ रही हैं। यह बहुत दुखद है। देश की ही, प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की ये स्थिति है कि कोई भी परीक्षा सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। साल्वर गैंग इतना एक्टिव है कि कहीं न कहीं पेपर को आउट कर दे रहा है और जो नॉर्मल अभ्यर्थी हैं उनका बहुत नुकसान हो रहा है। अब प्रदेश स्तरीय मेरिट से होगा ANM JNM एवं पैरा मेडिकल कोर्सेज में दाखिले की बनी रही नई नीति। कॉलेज प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों से मांगी गई सलाह। तो ये उत्तर प्रदेश की सूचना है कि अब जो है प्रदेश स्तरीय मेरिट बना करके ANM वगैरह की वैकेंसीज कंप्लीट की जाएंगी। UPSC में एक सदस्य की नियुक्ति भी हुई तो पूरा हो जाएगा कोरम। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की तरफ से जो नई वैकेंसी निकाली गई थी उसके पूरे होने में समय लग सकता है, क्योंकि अभी तक अध्यक्ष आदि की नियुक्ति के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। और अब समस्या बढ़ रही है कि नए आयोग से वैकेंसी होगी या पुराना कोई आयोग जो है उसमें कोई अध्यक्ष वगैरह आएंगे, तो अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। आधे लोगों ने छोड़ी सहायक आचार्य की परीक्षा। दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय विश्वविद्यालय की तरफ से जो आयोजित है उसमें यह सूचना है कि आधे से ज़्यादा लोगों ने परीक्षाएँ छोड़ दी। CHSL 22 की परीक्षा 9 मार्च से प्रवेश पत्र जारी। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की जो परीक्षा Tier 1 है उसकी परीक्षा 9 मार्च से है और उसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पद्म परीक्षार्थी वाले UP बोर्ड के स्कूल होंगे डिबार।
तो ऐसे भी तमाम यूपी बोर्ड है जिनको बोर्ड के विद्यालय हैं जिनको की डिबार करने की पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं जो DSSB है उसकी तरफ से एक नोटिस जारी की गई है। आपको बता दें कि इसमें वैकेंसीज नॉन टेक्निकल की दी गई है, नॉन टीचिंग स्टाफ की। वे सारे अभ्यर्थी जो उचित योग्यता रखते हैं वो आयोग की वेबसाइट पर इन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक अच्छी खबर ये है कि DSSB में टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी जल्द आने वाली है, इस नाते आप अपनी तैयारी करते रहें। वहीं कटक से वॉक इंटरव्यू आधारित KVS में सत्र 2023-24 के लिए संविदा भर्ती आमंत्रित की गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 4/3/2023 से 10/3/2023 तक जो है इंटरव्यू कराए जाने हैं। अलग अलग शेड्यूल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। PGT TGT सभी पदों पर भर्ती कराई जा रही है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।